वहां से आया है, तो अभी आपके जो 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 वर्धा में प्रोजेक्ट आ रहा है उसके लिए आपको क्या लग रहा है, कुछ आपको फर्क पड़ेगा ये सब देखते सुनते? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस अच्छे से फंक्शन के लिए इनवाइट किया। और आने का दूसरा है कि हमारे गुरु भाई हैं सुधीर कुमार गोयल साहब के, जिनके हाथ के नीचे हम ट्रेन हुए हैं, वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले थे, तो उनको भी सुनने के लिए मौका मिलने वाला था। और तीसरी बात यह है कि हम वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जो महाराष्ट्र का है, ये एक्चुअली किसानों के लिए बना है। जब पहले बना था तो वो जो हम प्रोक्योरमेंट करते थे पल्सेस की और कॉटन की, वो स्टोरेज के लिए होता था, पर जब अभी प्रोक्योरमेंट नहीं होता है तब भी माल हमारे यहाँ स्टोर होता है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कॉटन बेल्स आती है और वो स्टोर होती है, भोजन होके फिर जब उसको व्यापारी बेचते हैं तो वो बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और जब हम कॉटन बेचते हैं या कॉटन बेल्स बेचते हैं तो उसके मुनाफे में बहुत फर्क होता है। तो मेरा एक मानना था कि क्यों ना हम किसान या एफपीओ को कॉटन के बजाय कॉटन बेल बेचे। तो ये मेरा खुद का मेरा मानना है कि हम अगर कॉटन बेल बेचें तो हम लोग किसानों को ज़्यादा मुनाफा दे सकते हैं। मैं इसमें कोई दिक्कत देती है कि भाई हम जिनी कहाँ करेंगे, फिर उसके लिए पैसा लगता है किसान के लिए, ये है फिर बेल का ट्रेडिंग ऐसा होता है। इसका हमने थोड़े बारकाई से स्टडी किया और हमने ऐसा प्लान किया है कि आप हमारे वर्धा में जो हमने जगह ली है वहाँ में हम एक कॉटन बेल्स का मार्केट के तौर पे हमको बनाना है। वहाँ की जिनिंग डालेंगे या पीपीपी मोड पर जिनिंग डालेंगे, पर जिन होके जब कॉटन आएगा तो कॉटन का हमारा ट्रेडिंग होगा। और हमारा जो वेयरहाउसेज है वो हमारे वेयरहाउसेज की जो भी चीज़ें रखते हैं उसका हम पूरा इंश्योरेंस करते हैं, 100% इंश्योर। हमारा करीबन 6,000 करोड़ का इंश्योरेंस रहता है सब चीज़ों का, हम करीबन 15 से 20 करोड़ का सिर्फ प्रीमियम, इसलिए आपका जो कॉटन है पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। और हमारे में जो भी चीज़ें रहते हैं कॉटन या सोयाबीन वर्सेस, वो चीज़ पे आपको 70% आपको प्लेस फाइनेंस मिलेगा। क्योंकि जब हम किसानों से बात करते हैं तो किसान कहते हैं कि भाई मुझे पता है कुछ महीनों में प्राइस बढ़ने वाली है पर मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, तो हम उसमें प्लेस फाइनेंसिंग कर रहे हैं। प्लेस फाइनेंसिंग में भी दो ऑप्शन है, एक आप हमारा वेयर हाउस रिसीप्ट फिजिकल ले जाके कहीं भी आसपास की कोई भी संस्था से प्लेस लोन ले सकते हैं, या अभी हमने पिछले साल से ऑनलाइन प्लेस लोन स्कीम शुरू किया है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, तो उसको हमको मराठवाड़ा में विशेषतः लातूर के इलाके में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लास्ट ईयर उसका हमने कुछ 100-150 के किसानों के लिए 4 करोड़ का फाइनेंस हुआ था, मगर इस साल में हमको करीबन 1400 किसानों के लिए 30 करोड़ तक का फाइनेंस हो रहा है। और रोज 10-15 के किसान आके वहाँ से ले गए। और वो जो पिछले साल जब इसका रेट बढ़ा था सोयाबीन का, तो जो किसानों ने हमारे हाउस में ये रखा था सोयाबीन रखा था उनको बहुत अच्छा रेट मिला, क्योंकि किसान ने करीबन 4,000-4,500 से बहुत सारे किसानों ने बेच दिया। बट जैसे हमारे जिन्होंने हमारे यहाँ रखा उनको 6,000, कुछ को 6,500 और कुछ को 7,000 रेट मिला। तो कमिश्नर एग्रीकल्चर ने हमें सोयाबीन का परिषद रखा था 16 लातूर में, तो तब भी किसानों ने खुद तो ये हम तो बता रहे हैं, हमने भी एक हमारा किसान अपने दावे करके अभियान लगाया और हमारा एनसीडीसी के मार्ग में हम ये स्टोरेज का इम्पोर्टेंस, स्टोरेज का क्या महत्व है ये किसानों को बता रहे हैं और हमारा क्या क्या स्कीम है ये भी बता रहे हैं। बट माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी बहुत हो रहा है, इस वजह से सोयाबीन में भी हो रहा है। दूसरा एक अच्छा खुराक में क्या आया है वो है टर्मरिक। टर्मरिक में बहुत सारे किसान हैं, हाई वैल्यू रखते हैं, वो भी आके रखते हैं, उनको भी मिल रहा है। फिर अभी भी तूर में भी शुरू हुआ है, ये साल हमने थोड़ा तूर में कॉन्सेंट्रेट किया तो तूर में भी हो रहा है और हम अभी ग्रैंड में भी करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो भी एफपीओ है उनके जो भी उनको हम तो हमारा वर्धा का तो प्रोजेक्ट है ही, पर आप उसके बावजूद भी आप इकट्ठा होके कहीं से आपका आसपास के जिनिंग का तो बहुत कैपेसिटी है, पर जिनिंग कैपेसिटी करके हमारे वेयर हाउस में हमारे 200 जगह वेयर हाउस है, करीबन 60 से 70 जगह में कॉटन है,
वो अगर आप रखना चाहते हो तो मैं आपके लिए डेडिकेटेड स्पेस दे दूंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि मैं ऑलरेडी जब किसान हमारे महाआईपीसी में थोड़ा उन्होंने मुझे बुलाया था, वो हमने अपने वेयरहाउसिंग चार्जेस में भी एपीसी को 25% ये दिया है, कंसेशन दिया है। जो भी व्यापारी को लगता है या कमर्शियल है उसने हमें 25% को कंसेशन दिया है। आप ये सीजन है या अगले सीजन में जब भी आप वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन से जुड़ना चाहते हो तो जरूर आप जुड़ सकते हैं। मार्कर गेला ते विजिटिंग कार्ड वर नाव लिहून देते ते पण आहे त्याच्याने वो ओलान कंपनी जो है उसमें 25 साल काम का एक्सपीरियंस है उनका, राजवर्धन करके दिल्ली के है, जिन्होंने इंटरनेशनली जो ओलान कंपनी में सब उज्बेकिस्तान चाइना अर्जेंटीना में उन्होंने सिर्फ पटन में काम किया है। और उन्होंने हमको भी ये बताया कि आप टोल बेल जिमिंग में जाओ और पटन बेल्स में जाओ, उसका फ्लेक्सिबिलिटी रखो कि पटन बेल्स का फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए, ऑर्गेनिक पटन्स में जाने चाहिए। और वो क्वालिटी का मतलब जब बेल बेचेगा तो वो कौन से किसान के खेत से का कॉटन का बेल है वो मिलना चाहिए, वो टेक्निकलिटी तक हम जाना चाहते हैं। और उस हिसाब से एक अच्छा जो कॉटन है मतलब ये जो कंपनियां हैं उनको भी आजकल ट्रेसिबिलिटी का जरूरत है, जैसे फ्रेश फ्रूट्स में और इसमें लिमिटेड ट्रेसिबिलिटी आता है, वो चीज़ हम अभी कॉटन में लाना चाहते हैं। और उस हिसाब से हम वहाँ जो किसान है उनसे कॉटन लेंगे, वहाँ जिनिंग करेंगे और वहाँ में हम हमारे वेयरहाउस बनेंगे और वहाँ में हम एक ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी दे देंगे कि जहाँ से वो सब कॉटन बिल्स बिक जाएंगे। हमारा ये मानना है कि इस प्रकार वैल्यू एडिशन से जो किसान है उनका प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगा, मतलब तो प्रोडक्टिविटी जो बढ़ेगा उसकी वजह ये वैल्यू एडिड कॉटन होगा और वैल्यू एडिशन इज द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसा मेरा खुद का मानना है। और इसीलिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को किसानों को ज़्यादा रेट मिलने के लिए हम हमारी कोशिश करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहूँगा।